गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन टू व्हाट आई विल टीच टुडे। टुडे आई विल टीच आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म किस टाइप का होता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो है कि ध्यान देना है कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक है ना। तो सम कंपाउंड्स व्हिच कंटेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन एटॉमिक अरेंजमेंट एंड बॉन्ड अरेंजमेंट। कुछ ऐसे जो है कि कंपाउंड्स होते हैं जिसके जो केमिकल फार्मूला होता है वो सेम होता है, ठीक है ना, बट एटम का अरेंजमेंट और बॉन्ड का अरेंजमेंट डिफर हो जाता है, जिससे वे कंपाउंड्स केमिकल प्रॉपर्टी में और फिजिकल प्रॉपर्टी में एक दूसरे से डिफर हो जाते हैं। उन कंपाउंडों का केमिकल फार्मूला सेम होगा, एक जैसे सबका फार्मूला हम राइट करते हैं, बट जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, डिफर हो जाता है, और बॉन्ड का भी अरेंजमेंट जो हो जाए कि डिफर हो जाता है। तो जिससे कि उसके प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाते हैं, डिफर हो जाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो जो कंपाउंड जो कि केमिकल फॉर्मूले में सेम हो बट बॉन्ड अरेंजमेंट, एटॉमिक अरेंजमेंट, उसके मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं डिफरेंट हुए और बॉन्ड जो फॉर्म है उसका अरेंजमेंट डिफर हो जाता है, जिससे कि उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहते हैं, डिफर हो जाते हैं। दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज आइसोमर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं, बट दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो हमारा ये कोर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म है वो मेनली टू टाइप का होता है, स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल। गौर कीजिए क्या है, स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल, ठीक है ना। अब क्या डिफरेंट है भाई, तो स्टीरियो में ये होता है कि बॉन्ड सेम होता है, केमिकल फार्मूला सेम होता है, बट जो एटम का स्पेस में अरेंजमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। स्पेस में जो एटम का किसी मॉलिक्यूल्स में, किसी कंपाउंड कोई मॉलिक्यूल्स है तो केमिकल फार्मूला भी सेम होगा और बॉन्ड भी सेम होगा, बट जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है वो जो है कि डिफर हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड को स्टीरियो आइसोमर, और इस फिनोमेना को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में क्या होता है डिफरेंट, तो इसमें केमिकल फार्मूला सेम होता है बट बॉन्ड का अरेंजमेंट डिफर हो जाता है। क्या डिफर होता है, बॉन्ड का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफर हो जाता है, जिससे कि ये भी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर हो जाते हैं। तो ऐसे जो है कि कंपाउंड्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ऐसे कंपाउंड को स्ट्रक्चरल आइसोमर और फिनोमेना को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म में आप समझ गए टू टाइप को स्टडी करना है, स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल। अब स्टीरियो में हमें टू टाइप का स्टडी करना है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। गौर कीजिए कैसे स्टडी करने हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब भाई यहाँ पर क्या डिफरेंसेज आती है, पहले तो मैंने आइसोमेरिज्म पढ़ा, उसमें टू कैटेगरी डिवाइड कर दिए, आपका स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल। स्टीरियो में क्या था, केमिकल फार्मूला सेम था, इसमें भी केमिकल फार्मूला सेम था, इसमें बॉन्ड भी सेम था, इसमें बॉन्ड
डिफरेंट होता है बैंड का अरेंजमेंट। इसमें बैंड अरेंजमेंट क्या इसमें डिफरेंस होता है, तो जो एटम का स्पेस में अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, और इसमें बैंड का अरेंजमेंट ही डिफर जाता है। ज्योमेट्रिकल, स्टीरियो और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को भी छोड़ते हैं, आते हैं स्टीरियो में। तो स्टीरियो में हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। माइंड में बैठाते चलिए, पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि ज्योमेट्रिकल क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल में केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, बॉन्ड का अरेंजमेंट में सेम होता है, स्पेस में जो मालिकुल्स हैं 3D स्पेस में उनका अरेंजमेंट में डिफरेंट हो जाता है। दो मेंबर है तो दोनों मेंबर में भाई फॉर्मूला तो दोनों मेंबर का सेम होगा, दोनों मेंबर का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। डिफरेंट क्या होगा भाई, तो स्पेस में जो लिगेंड कंटेन करते हैं, ठीक है ना, क्या कंटेन करते हैं, लिगेंड। तो जो लिगेंड कंटेन करते हैं तो उन लिगेंडों का स्पेसिफिक अरेंजमेंट डिफर हो जाता है। गौर कीजिए, हम कौन सा बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं ज्योमेट्रिकल में क्या चेंजिंग होती है। फॉर्मूला केमिकल सेम, बॉन्ड का अरेंजमेंट भी सेम, बट एटम का जो स्पेस में मतलब क्या, उसके जो लिगेंड जुटे हुए हैं, कोऑर्डिनेशन तो लिगेंड होंगे, सेंट्रल मेटल एटम जो लिगेंड अटैच रहते हैं उसका अरेंजमेंट डिफर होता है। होता क्या भाई कि फॉर्मूला सेम होगा, बॉन्ड भी सेम होगा, गड़बड़ क्या होगा, तो सेम टाइप के लिगेंड एक साइड में हो जाएंगे एक मेंबर में, और दूसरे मेंबर में सेम टाइप के लिगेंड एक इस साइड हो जाएगा और एक इस अपोजिट साइज में हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, सेम टाइप का लिगेंड एक साइड में हो तो एक मेंबर में जो सेम टाइप के लिगेंड का अरेंजमेंट एक साइड में, और दूसरे मेंबर में सेम टाइप का लिगेंड एक साइड, एक लिगेंड इस साइड में, उसी तरह का एक लिगेंड उसके अपोजिट साइज में हो जाएगा। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए क्या कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, बॉन्ड का अरेंजमेंट सेम होगा, डिफरेंट कहाँ होगा, तो एक मेंबर में सेम टाइप का लिगेंड। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई कंपाउंड है, हम लोग वो करते हैं MX2L2, ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, M तो सेंट्रल मेटल एटम, X 2 है X टाइप का लिगेंड, सेम टाइप का लिगेंड XX और LL हो गए 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, 6 भी इसमें होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सेम टाइप का लिगेंड मतलब कि XX लिगेंड, यदि उसमें एक साइड में दोनों XX रहेंगे लिगेंड, इस साइड में मतलब कि लेफ्ट ही साइड में X सेंट्रल से जुटा हुआ है, X सेंट्रल से जुटा हुआ है, L इस साइड में सेम एक साइड में सेम, तो इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। और ट्रांसफॉर्म में तो सेम मतलब कि एल एक लिगेंड एल इस साइड में और दूसरा इसके अपोजिट साइड में, तो ये ट्रांसफॉर्म होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ठीक ना जो डिफरेंसेस हो जाती है क्या होती है, तो सेम टाइप का लिगेंड एक साइड में तो सिस फॉर्म कहते हैं उस आइसोमर को, और सेम टाइप का लिगेंड मतलब कि एल एल या एक्स एक्स हो तो एक इस साइड में एल हो जाएगा एक इस साइड में। ध्यान देते हैं, इसे सपोज करते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है स्क्वायर प्लेनर में, ठीक है ना, गौर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एम, एम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, एक एक्स टू ये लिगेंड है और एक एल टू एक लिगेंड है, ठीक है ना। इसको हम यदि गौर करते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए एम ये हो जाएगा आपका सेंट्रल मेटल एटम से ये एल है तो एक साइड में हो गया सेम टाइप का, और ये एक्स है तो ये एक तो इस तरह से हो जाएगा सेम टाइप का, मतलब एक्स एक्स सेम टाइप का लिगेंड है, एक साइड में इधर हो गया और एल एल सेम टाइप का इधर हो गया, तो ये सिस फॉर्म बनाएगा, ठीक है ना। और यही
एक्सचेंज कर लेता है, एक ये एल इधर आ जाएगा, ठीक है ना, और एक एल इधर आ गया, एक एक्स इधर आ गया। तो सेम टाइप का अपोजिशन इसको बोलते हैं ट्रांस। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। जैसे देखिए स्क्वायर प्लेनर में ये कंपाउंड दिया हुआ है आपका, तो इसमें प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक ना, ये लिगेंड क्लोराइडो सेम टाइप का है, एक साइड में है, एमीन सेम टाइप का है, एक साइड में है, एक मेंबर में ऐसे है, इसको सिस कहेंगे। जब सेम टाइप का लिगेंड एक साइड में हो उसको सिस फॉर्म बोलते हैं। अब यही देखिए दूसरे, अब डिफरेंट है। अब यहाँ पर देखिए सेम टाइप का लिगेंड एक इस साइड में हो गया और एक इस साइड में हो गया, एक इस साइड में हो गया, तो इसको ट्रांस बोलते हैं। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी दूसरा हो जाएगा और इसका केमिकल प्रॉपर्टी दूसरा हो जाएगा। फॉर्मूला सेम ही होगा, क्या होगा, पी टी सी एल टू एन एच थ्री का होल ट्वाइस। इसमें भी यही होगा, पी टी सी एल टू एन एच थ्री का होल ट्वाइस। तो दोनों मेंबर का केमिकल फॉर्मूला सेम होगा। गौर कीजिए इसमें भी प्लेटिनम एक है सेंट्रल मेटल एटम, क्लोराइड दो है, अमोनियम दो है। इसमें प्लेटिनम एक है, क्लोराइड दो है, अमोनियम दो है। तो फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पी टी सी एल टू एन एच थ्री का होल ट्वाइस। बांड भी प्लेटिनम से सिंगल बांड से अमोनिया अटैच है। इसमें भी प्लेटिनम में क्लोराइड सिंगल बांड, इसमें भी वही है, प्लेटिनम से यह अमोनिया सिंगल ही बांड से अटैच है, डबल बांड नहीं है ना। बांडों का अरेंजमेंट भी सेम है, क्लोराइड से भी सिंगल बांड से अटैच है। तो देखिए फॉर्मूला भी सेम हो रहा है, इसका भी फॉर्मूला वही, इसका भी फॉर्मूला वही। बांड का अरेंजमेंट भी सेम है, सिंगल बांड से भी सिंगल बांड से भी, इसमें भी सिंगल बांड सिंगल, इसमें भी। डिफरेंट क्या है, तो जो स्पेस में जो एटम का अरेंजमेंट है, देखिए स्पेस में एटम का अरेंजमेंट क्लोराइड एटम है, तो एक मेंबर में सिस वाले में सेम लिगेंड सेम एटम एक साइड में आ गया, अमोनिया मॉलिक्यूल्स एक साइड में आ गया, तो इसको सिस फॉर्म बोलते हैं। और जब यही दूसरा इसका जो मेंबर है उसमें सेम एक इस साइड में होगा एक अपोजिट साइड में हो गया, तो एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ज्योमेट्रिकल में क्या होता है कि जो एटम का अरेंजमेंट डिफर होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, बांड केमिकल बांड भी सेम होंगे। डिफरेंट क्या होगा भाई, तो स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है स्टीरियो में स्पेसिफिक अरेंजमेंट डिफर हो जाता है। ज्योमेट्री इसका क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। ये सिस फॉर्म की ज्योमेट्री शो करता है और ये ट्रांसफॉर्म, समझ रहे हैं ना, सेम सेम ज्योमेट्री, ये क्रॉस ज्योमेट्री अपोजिट साइड, इसकी ज्योमेट्री चेंज हो गई, इसकी ज्योमेट्री दूसरा और इसकी ज्योमेट्री दूसरा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये है आपका किस में पाया जाता है, तो स्क्वायर प्लेनर में। अब इसी तरह का ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म हम ऑक्टाहेड्रल में देखेंगे, जिसका फॉर्मूला सेंट्रल मेटल एटम वन रहेगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होगा, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा फोर, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स। अब क्यों भाई, तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम से टू और टू फोर लिगेंड अटैच है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर फोर। इसमें देखिए सेंट्रल मेटल से थ्री थ्री मतलब कितने सिक्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स। ये एम सेंट्रल मेटल एटम है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, तो इसमें सिक्स लिगेंड अटैच हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है। अब ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाला ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये स्क्वायर प्लेनर वाला था, और ऑक्टाहेड्रल में भी हम देखते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में देखेंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एम एक्स टू एल टू, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एम ए थ्री बी थ्री, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए, ये कोबाल्ट एम हो गया, ए थ्री मीन्स अमोनिया वन टू थ्री, देखिए वन टू थ्री, एक जैसा
थ्री है, फिर तो ए थ्री मतलब एक जैसा थ्री हो गया, फिर बी थ्री मतलब दूसरे टाइप का, तो आपका वन टू थ्री हो गया ना, ये टाइप का हो गया और ये बी टाइप का हो गया। तो जनरल फॉर्मूला सेंट्रल मेटल एटम ए टाइप के लिगेंड थ्री वन टू थ्री और बी टाइप के लिगेंड एन ओ टू एन ओ टू एन ओ टू, ये इसमें टू टाइप के लिगेंड है, एक टाइप के लिगेंड थ्री नंबर में है और एक टाइप का, तो एक को ए थ्री, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है और इसमें भी वही होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, इसमें भी जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका भी वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ध्यान दीजिए, इसमें सी ओ एन एच थ्री का होल थ्रेस एन ओ टू का होल थ्रेस, ठीक है, तो होगा ना, ऐसे हम लिख लेंगे फॉर्मूले में, गौर कीजिए, इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ना कि सी ओ एन एच थ्री का होल थ्रेस और दूसरे ब्रैकेट में एन ओ टू का होल थ्रेस, तो केमिकल फॉर्मूला सेम हो गया, इसमें भी ये लिखेंगे सी ओ एन एच थ्री का होल थ्रेस एन ओ टू का होल थ्रेस, कोई डाउट नहीं, तो यही फॉर्मूला दोनों के लिए हो जाएगा, इसके लिए भी इसके लिए भी। बांड का भी अरेंजमेंट देख लेते हैं, तो इसमें भी थ्री अमोनिया है सी ओ से सिंगल बांड से, वन ये भी सिंगल बांड, ये भी सिंगल बांड, ये भी सिंगल बांड, तीनों अमोनिया सिंगल बांड से, इसमें नाइट्रोजन भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी, ये भी सिंगल बांड, ये भी सिंगल बांड, ये भी सिंगल बांड, इसमें भी देखते हैं बांड का अरेंजमेंट कैसा है भाई, तो अमोनिया सिंगल बांड से, अमोनिया सिंगल बांड से, अमोनिया सिंगल बांड से, एनओ टू सिंगल बांड से, एनओ टू सिंगल बांड से, एनओ टू सिंगल बांड से, तो बांड का देखिए फार्मूला भी सेम है, केमिकल फार्मूला सेम है, केमिकल बांड भी सेम है, बट डिफरेंट क्या है भाई, तो जो एटम्स या मालिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, देखिए इसमें सेम टाइप का लिगेंड एक कॉर्नर पर डिपेंड है ना, इस एक कॉर्नर पर देखिए, इस साइड एक कॉर्नर पर है तीनों सेम, इसको फेसियल बोलते हैं, इधर तीनों अमोनिया एक कॉर्नर पर है, तो ऐसे यदि ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल फॉर्म करता है इसको फेसियल बोलते हैं, फेस मतलब क्या है, थ्री जो सेम टाइप के लिगेंड है एक कॉर्नर पर होंगे तो फेसियल बोलते हैं। अब इसमें डिफरेंट क्या हो जाता है भाई, तो सेम टाइप के लिगेंड मेरिडियम में हो जाएंगे, कॉर्नर अपने है ना मेरिडियम में, बीच में एक इधर एक साइड हो गया एक इधर, तो मेरिडियम में हो जाएंगे, तो इसको मर बोलते हैं मेरिडियल, ठीक है ना, आइसोमर बोलते हैं इसको, फेसियल आइसोमर बोलते हैं, डिफरेंसेज आ गया, क्या हुआ भाई, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या डिफरेंस आया, तो कौन सा जो है कि कंपाउंड शो करते हैं जिसका जनरल फॉर्मूला एम ए थ्री बी थ्री टाइप का होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वो भी किस में होता है, ऑक्टाहेड्रल में, तो एक मेंबर दोनों मेंबर का फॉर्मूला तो सेम होगा, केमिकल बांड का अरेंजमेंट भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा, बट भाई हेयर इज डिफरेंस, डिफरेंस कहाँ है, तो डिफरेंस ये होगा कि यह फेसियल आइसोमर फॉर्म करेगा, ज्योमेट्री इसकी फेसियल होगी और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, मेरिडियम हो जाएगी, इसलिए इसके केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे, डिफर हो जाएंगे। अब फेसियल मीन्स क्या होगा भाई, कि जो सेम थ्री सेम टाइप के थ्री लिगेंड है कॉर्नर पर होंगे, इसके फेस के एक कॉर्नर पर होते हैं, तो फेसियल ज्योमेट्री होती है, फेसियल आइसोमेरिज्म, और इसमें क्या होता है भाई कि जो सेम टाइप के लिगेंड है वो मेरिडियन में होते हैं, तो ये मेरिडियल आइसोमेरिज्म हो जाते हैं। तो आपके स्ट्रियो में हम ज्योमेट्रिकल का स्टडी कर लिए, क्लियर, हमको जहाँ तक आशा आप लोग कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर क्लियर, स्क्वायर प्लेनर में इस टाइप का फॉर्मूला का और ऑक्टाहेड्रल में इस टाइप का, ये सिस ट्रांस समझ में आई मेन चीज़ है ये, और ये फेसियल और मेरिडियल हो गया। अब एक दूसरा ज्योमेट्रिकल में होता है ऑप्टिकल आइसोमर, क्यों, अब ये ज्योमेट्रिकल में और ऑप्टिकल में क्या डिफरेंसेस है, तो ऑप्टिकल में वही होगा आपका क्लियर कट है,
फॉर्मूले सेम होंगे। देखिए CO इसमें भी, CO इसमें भी, ठीक है ना। डाइडेंटेट लिगेंड है ना, इसमें भी डाइडेंटेट लिगेंड है, तो बॉन्ड का भी अरेंजमेंट सेम ही है। ये अटैच है जो बॉन्ड बनाया है इधर इधर, इस मेंबर में भी वही है। डिफरेंसेज क्या है भाई, तो हम जानते हैं कि स्टीरियो इसमें इस जो स्पेशियल स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। मीन्स यह मेंबर क्या होते हैं भाई, फॉर्मूला सेम है, अब क्या होते हैं, तो ये मेंबर मिरर इमेज टू ईच अदर। ये मेंबर का स्पेस में ऐसा अरेंजमेंट है, दो लोब इधर एक लोब इधर, जब मिरर लगाएंगे तो इसका इमेज जैसे एकदम ठीक से बनेगा, तो ये इसका मिरर इमेज है। जैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड का मिरर इमेज होता है, ठीक है ना, होता है ना, मिरर इसको रखेंगे तो ये ऐसे बन, जस्ट लाइक इसको रख करके यहाँ मिरर रखेंगे तो ठीक इसका ऐसे मिरर में। तो ऑप्टिकल आइसोमर, केमिकल फॉर्मूला भी सेम, बॉन्ड का अरेंजमेंट भी सेम। डिफरेंस कहाँ आता है भाई, कि ये जो है कि मिरर इमेज टू ईच अदर, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोज होते हैं। मतलब कि इसको यदि हम उठा कर के इसमें मैच कराएं तो मैच होगा नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसका टू लोब इधर वन लोब इधर, इसको उठाएंगे तो इसका ये जो टू लोब है इस साइड में आ जाएगा, वन लोब इधर आ जाएगा। जैसे राइट हैंड लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज है, अब इसको हम ऐसे प्लेस करते हैं तो हमारा ये थंब इधर आ जाएगा, ये ऐसे नहीं हो रहा है, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, नॉन सुपर इम्पोज होते हैं, ठीक है ना, नॉन सुपर इम्पोज होते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर, केमिकल फॉर्मूला भी सेम, बॉन्ड का अरेंजमेंट भी सेम, बट स्पेस में इन लोगों का अरेंजमेंट ऐसे डिफर ऐसे होता है कि एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, मिरर इमेज हो जाते हैं। और यही कारण है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वही कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है जिसका ज्योमेट्री स्ट्रक्चर क्या होता है, मिरर इमेज होता है बट नॉन सुपर इम्पोज होता है, ठीक है ना। ऐसे मालिक्यूल्स को इनेंसियोमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनेंसियोमर। ये इनेंसियोमर है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाले जो कि नॉन सुपर इम्पोज होते हैं उसको इनेंसियोमर बोलते हैं। ये चिरेल भी होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि इसका मिरर इमेज है सुपर इम्पोज नहीं होगा, नॉन इन सुपर इम्पोज होते हैं। तो द कंपाउंड विच है सेम केमिकल फॉर्मूला, बॉन्ड अरेंजमेंट बट डिफर इन स्पेसिफिक अरेंजमेंट, ठीक, दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर एंड नॉन सुपर इम्पोज, दैट इज नोन एज इनेंसियोमर। इसको इनेंसियोमर बोलते हैं, क्लियर है, और चिरेल होते हैं। अब डिफरेंस देखिए इसमें क्या है, ये होता है डेक्स्ट्रा रोटेटरी और ये होता है लियो रोटेटरी। इसको बोलते हैं डिफॉर्म प्लस डिफॉर्म और इसको बोलते हैं माइनस एल्फॉर्म। अब इसको समझना है क्या है ये, तो जो प्लेन पोलराइज लाइट है, पोलराइज लाइट एक नॉन, एक होता है आपका प्लेन लाइट, एक पोलराइज लाइट होता है जो सन से लाइट आता है वो होता है ऑर्डिनरी लाइट। उसमें जितने भी वेक्टर होंगे वो ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं, वेक्टर उसके ऑल डायरेक्शन मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। जब वो किसको, उसको हम निकल प्रिज्म से, ठीक, या पोलराइट से पास करते हैं तो सभी वेक्टर उसके फिल्ट्रेट हो जाते हैं, केवल जो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता वही वेक्टर रह जाता है। तो ऐसे लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है ना। अब एक ये केमिकल है आपका, एक जो है कि इसमें एक में इसका एक सोल्यूशन बना दिए, एक इसमें एक अलग सोल्यूशन बना दिए, फॉर्मूला तो मैंने सेम लिया। अब इसमें जब लाइट पास करेंगे
टू डिस्टर्ब रोटेटरी, क्लॉक वाइज रोटेट करा देगा उस प्लेन फ्लैशलाइट को, क्या करेगा क्लॉक वाइज रोटेट कराएगा। सब चीज़ ठीक ही है, फॉर्मूला भी सेम है, बांड भी ठीक सेम है, बट ये क्लॉक वाइज रोटेट करा रहा है प्लेन फ्लैशलाइट को डिस्टर्ब रोटेटरी, और इसके के सोल्यूशन से पास करती है एंटी क्लॉक वाइज, एक ऐसे रोटेट करा दिया और एक ऐसे करा दिया। तो चूंकि प्लेन पोलराइज लाइट के अकॉर्डिंग इसका बिहेवियर डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए इसको ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि एक मेंबर, दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, दोनों का मैंने सोल्यूशन बनाया, दोनों में से प्लेन ये पोलराइज लाइट को पास कर दिया, तो एक मेंबर क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया डेक्स्ट्रा रोटेटरी, और दूसरा सोल्यूशन से जो पास कर दूसरा मेंबर एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करा दिया उसको लियो रोटेटरी, डिफरेंट आ गया। मतलब कि सब चीज़ सेम होता है बट ये इनका जो कि पोलराइज लाइट के प्रति इसका जो बिहेवियर होता है वो डिफर हो गया, इसलिए इसके प्रॉपर्टी भी क्या हो जाते हैं डिफर हो जाते हैं, एक क्लॉक वाइज डेक्स्ट्रा रोटेटरी, एक एंटी क्लॉक वाइज रियो रोटेटरी। तो ऐसे मेंबर में भी क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो पहले तो प्लेन पोलराइज लाइट के अकॉर्डिंग बिहेवियर, एक क्लॉक वाइज रोटेट कराएगा और दूसरा एंटी क्लॉक वाइज। ये मेंबर एक दूसरे के क्या होते हैं मिरर इमेज होते हैं, क्लियर होना चाहिए क्या होता है मिरर इमेज होंगे, नॉन सुपर इम्पोज होते हैं, इसका इमेज है कि एक दूसरे पर मैच नहीं करेगा, ऐसे हो जाएगा जैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड का है तो इसको उठा के करेंगे तो ऐसे होगा, नॉन सुपर इम्पोज होते हैं, सीरियल होते हैं, इसको हम इनेंसियोमर बोलते हैं, जो नॉन सुपर इम्पोज होते हैं अपने मिरर को इनेंसियोमर बोलते हैं, तो इनेंसियोमर भी होते हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, ऐसे मेंबर को दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो ये सिस टाइप के केवल मेंबर ही शो करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, सिस टाइप के, ट्रांस वाले नहीं करेंगे, कौन करेंगे सिस टाइप के, सीसी रहेंगे तो वो मिरर इमेज होंगे ना सुपर इम्पोज, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी सिस टाइप के मेंबर ही करते हैं। तो स्टीरियो में हमने टू स्टडी कर लिया, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, अब हम स्ट्रक्चरल में आते हैं, देखते हैं कि स्ट्रक्चरल में क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए स्ट्रक्चरल का देखते हैं, स्ट्रक्चरल में फोर टाइप का होता है, पहले माइंड बैठा लीजिए, लिंकेज फर्स्ट गौर कीजिए, दूसरा कोऑर्डिनेशन सेकंड नंबर, थर्ड नंबर आयोनाइजेशन, और फोर्थ नंबर साल्वेशन। स्ट्रक्चरल में क्या डिफरेंसेस होती है भाई, तो केमिकल फॉर्मूला सेम होगा बट बॉन्ड का जो अरेंजमेंट होता है वो सेम नहीं होता है, वो डिफर हो जाता है, इसमें पहले वाले पढ़ लेते हैं, इसमें बांड का अरेंजमेंट डिफर हो जाता है जिससे कि केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफर हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल में हमें फोर पढ़ने हैं, फर्स्ट नंबर क्या था आपका, तो फर्स्ट नंबर है लिंकेज, सेकंड नंबर है कोऑर्डिनेशन, टू कोऑर्डिनेट बांड है उसका अरेंजमेंट डिफर हो जाता है कोऑर्डिनेशन, थर्ड नंबर आयोनाइजेशन, और फोर्थ नंबर है साल्वेशन, ठीक है ना। ध्यान दीजिए फिर से, कौन कौन है, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन, साल्वेशन, चारों का नाम लिख दे रहे हैं हम, ठीक है ना। देखते हैं आपका फर्स्ट लिंकेज, सेकंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, थर्ड नंबर आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, और फोर्थ नंबर है
सॉल्वेशन, ठीक है ना। तो लिंकेज में क्या होता है, फॉर्मूले सेम होंगे, तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन व्हिच लिगेंड कंटेन एम्बिडेंटेड लिगेंड, वे कंपाउंड जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट रहते हैं वह कंपाउंड लिंकेज टाइप आइसोमेरिज्म शो करता है। कौन सा, जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट रहते हैं वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। गौर से सुन लीजिए, कौन शो करता है, जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट रहते हैं। अब एम्बिडेंटेड लिगेंड को आपको हम पहले बताए हैं, उस पर फोकस करना है कि एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या है। मतलब कि ये यूनिडेंटेड लिगेंड ही होते हैं, बट इसमें डिफरेंट टाइप के एटम सेंट्रल मेटल एटम से अटैच रहते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के एटम, एक ही रहेगा उसमें लिगेंड, उसमें जो एटम प्रेजेंट रहते हैं एक बार में दूसरा एटम उसका अटैच डोनर हो जाएगा और दूसरे टाइम में दूसरा एटम डोनर हो जाएगा। तो सेंट्रल मेटल एटम से जो इसका अटैचमेंट होता है, जैसे एम है सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हो गया, ठीक है ना। तो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हो गया तो एन सी एस एक बार जो है कि साइनेट, आइसोथायोसाइनेट और थायोसाइनेट, इसमें हम लोग स्टडी किए हैं। तो ये जो है कि एम्बिडेंटेड लिगेंड है, इसमें जो सेंट्रल मेटल से नाइट्रोजन अटैच हो गया और दूसरे आले में क्या हो जाएगा, तो सेंट्रल मेटल एटम से एस सी एन सल्फर अटैच हो जाएगा। तो अब बताइए डिफरेंसेज हो गया ना, फॉर्मूले तो सेम होंगे, सेंट्रल मेटल एटम एन सी एस लिखेंगे उसी तरह से और इसमें सेंट्रल मेटल एटम, अब ये टर्न करके इसमें नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, इसको एक मेंबर बन गया और इसमें सल्फर डोनेट कर रहा है, ये दूसरा मेंबर बन गया। तो इन लोगों के फॉर्मूले सेम होंगे बट इससे जो एम्बिडेंटेड लिगेंड अटैच है उसमें जो बांड का अटैचमेंट है सेंट्रल एटम से उसमें चेंज हो गया। एक मेंबर में नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बांड का फॉर्मेशन कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम से और दूसरे मेंबर में सल्फर कोऑर्डिनेट बांड का फॉर्मेशन कर रहा है, डिफरेंस हुआ ना। तो लिंकेज में जो बांड का अटैचमेंट है वो डिफर होता है, लिंक जो हो रहा है वो डिफर हो रहा है, इससे इसके केमिकल प्रॉपर्टी डिफर जाते हैं। तो ये टू आइसोमर हो गए, फॉर्मूले सेम होंगे बट इसमें जो लिंक होने वाला जो बांड का अटैचमेंट है डिफर हो जाता है। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमर इज नोन एज लिंकेज आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक और भी हम देख सकते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे नाइट्राइटों में एन ओ टू, इसमें नाइट्रोजन अटैच हो जाता है और दूसरा इसका मेंबर होगा तो उसमें ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि डोनर का काम कर रहा है नाइट्रोजन, इसमें डोनर का ऑक्सीजन कर रहा है, तो लिंक जो हो रहा है बांड का वो डिफरेंट हो रहा है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, दिस फिनोमेना इज नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये लिंकेज आइसोमर है। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड कंटेन करने वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज का हो गया, अब कोऑर्डिनेशन का देखते हैं भाई। अब इसमें डिफरेंसेस क्या होती है, कोऑर्डिनेशन में देखिए कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है,
यहाँ पर क्रोमियम एक मेंबर में, ठीक है ना, और यहाँ पर कोबाल्ट एक मेंबर में। इसमें जो भी लिगेंड हो, तो मान लीजिए कि फर्स्ट चांस में क्रोमियम के साथ NH3 का होल सिक्स, और इसके साथ CN का होल सिक्स। गौर कीजिए, हो गया। और दूसरा इसका मेंबर होगा तो अपना कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेशन चेंज कर देगा। अब यहाँ पर चेंजिंग हो गई CU, अपना कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया, और इसमें आ गया CR क्रोमियम CN का होल सिक्स। इसका भी फॉर्मूला दोनों का और ये फॉर्मूला सेम है, बस क्या हो गया भाई, तो ये सेंट्रल मेटल एटम का एक्सचेंजिंग कर दिए। क्रोमियम इस लिगेंड को कंटेन कर लिया, कोबाल्ट इस लिगेंड को कंटेन कर लिया। तो कोऑर्डिनेशन में देख रहे हैं ना, क्या करते हैं अपना कोऑर्डिनेटिंग जो है कि क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये क्रोमियम फर्स्ट वाले मेंबर में क्रोमियम अमोनिया लिगेंड कंटेन किया है और कोबाल्ट साइनाइड लिगेंड कंटेन किया है, फॉर्मूला सेम ही है। दूसरे मेंबर में अब क्रोमियम अपना कोऑर्डिनेशन चेंज करके आ गया साइनाइड के साथ, क्रोमियम यहाँ पर आ गया और कोबाल्ट इसके साथ आ गया। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन चेंज होता है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ऐसे फिनोमेना को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं ये सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर में आपको क्या मिलता है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में, देखिए इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सेंट्रल मेटल एटम, इसमें आपका आ गया NH3 का होल सिक्स Br SO4। एक मेंबर में ब्रोमाइड सेंट्रल मेटम के साथ अटैच होकर के लिगेंड का वर्क कर रहा है, सल्फेट काउंटर आयन का वर्क कर रहा है। दूसरा इसका मेंबर होगा, फॉर्मूला वही होगा, बट क्या हो जाएगा, अब ये आयन्स सल्फर जो है सल्फेट काउंटर आयन जो है वो लिगेंड का फॉर्म में आ जाएगा और ब्रोमाइड काउंटर आयन हो जाएगा। फॉर्मूला सेम है दोनों का, इसमें भी कोबाल्ट है, अमोनिया है, ब्रोमाइड है, सल्फेट। तो चेंज कहाँ आ गया, डिफरेंसेस कहाँ हुआ, तो द इसके जो आयन्स है, कभी आयन्स लिगेंड फॉर्म कर रहा हो जा रहा है, कभी काउंटर आयन बन रहा है, तो फॉर्मूले सेम हो गए। गौर कीजिए, सेम है ना। इस मेंबर में ब्रोमीन काउंटर आयन है, लिगेंड है, और सल्फेट काउंटर आयन है। दूसरा जो इसका मेंबर होगा, अब सल्फेट काउंटर लिगेंड हो गया और ब्रोमीन काउंटर आयन हो गया, डिफरेंस हो जाती है यही, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। आयन चेंज हो गए, कभी आयन लिगेंड फॉर्म कर रहा है, कभी आयन जो है कि काउंटर आयन के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर, दिस आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयन्स एक्सचेंज होते हैं, ठीक है ना, तो हो जाता है। अब हमारा फोर्थ नंबर बच गया, साल्वेशन आइसोमर। साल्वेशन ये एक तरह का आयोनाइजेशन का ही टाइप का होता है, ठीक है ना, ये एक तरह क्या है, आयोनाइजेशन टाइप का ही है, CrH2O का होल सिक्स Cl3, ठीक है ना। एक मेंबर हो गया जिसमें कि सिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स लिगेंड कवर कर रहा है,
और 3 कोलाइड आयन काउंटर आयन का वर्क कर रहा है। अब दूसरे मेंबर में क्या होता है, CR एक जो है कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चला जाता है और एक क्लोराइड आकर के लिगेंड का फॉर्म कर रहा है और एक इसमें हो गया। देखिए इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लिगेंड है, 3 क्लोराइड आयन काउंटर आयन है, बट दूसरे मेंबर में क्या किया कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ गया, ये काउंटर आयन के फॉर्म में आ गया और क्लोराइड आयन इसमें आकर के अंदर आ गया, ये लिगेंड के फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से डिफरेंसेस हो गया ना, ये इस मेंबर यह मेंबर इस मेंबर से डिफरेंस हो गया, कैसे, साल्वेशन वाटर मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज होने से। तो इसको बोलते हैं साल्वेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। तो ये है, हम लोग स्टडी करते हैं। अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे जो है कि जो हम लोग का टॉपिक है वो है वैलेंस बॉन्ड थियरी और क्रिस्टल फील्ड थियरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट थियरियाँ हैं, इसलिए आप लोग बने रहिएगा। और बार बार हम कह रहे हैं कि जो भी आप लोगों के फ्रेंड हैं, शुभचिंतक हैं, उन लोगों को भी मेरे चैनल का लिंक दे दीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, और आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो ही नया नया जो है कि टॉपिक जैसे ही चैनल पर लोड होगा आप लोगों को जो है कि तुरंत इसका जो है कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।